भानगढ़ गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बहन गौरी के अलावा एक 10 साल का बेटा बिट्टू था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तभी गांव में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया। सभी की तरह रामू की फसल भी बर्बाद हो गई। उसका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। उसके जीवन में इससे पहले कभी ऐसा समय नहीं आया था। जितने पैसे थे उससे लंबे समय तक गुजारा नहीं हो सकता था। सब गांव वाले पड़ोस के गांव में एक साधु बाबा के पास चले गए और उन्हें अपनी सारी समस्या कह सुनाई। बाबा क्या बताऊं? बारिश न होने के कारण गांव में सूखा पड़ गया। गांव वाले दाने दाने को मोहताज हो गए। हमारे बीवी बच्चों को भूखों मरने से बचा लीजिए। कृपया करके हमें इस परेशानी से छुटकारा दिलाइए। मुझे तुम्हारी समस्या के बारे में सब कुछ पहले से ज्ञात था, इसलिए मैं तुम्हारी समस्या को दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करूंगा। इसके बाद साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। साधु बाबा ध्यान में बैठे थे, तभी उनके सामने धीरे धीरे एक बड़ी सी गोल आकृति बनने लगी। देखते ही देखते धीरे धीरे वह आकृति एक खूबसूरत बड़े से सफेद चांद में बदल गई। सारे गांव वाले इस नजारे को बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे। अपने जीवन भर की सारी साधना के बल पर मैंने तुम्हारी समस्या को दूर करने के लिए इस चांद को बनाया है। अब आज से ये चांद तुम सबकी मदद करेगा। तुम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इससे जो चाहो मांग सकते हो। इतना सुनते ही सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। इसके बाद एक एक करके सारे गांव वाले इस चांद के अंदर गए और अपनी जरूरत का सामान वहां से उठाकर अपने घर चले गए। अब जिसे जो भी समस्या होती थी वह चांद के पास आता और उसे जो भी चाहिए चांद उसे खुशी खुशी दे देता। बिट्टू भी अपनी बुआ गौरी के साथ चांद के पास जाकर अक्सर खेलता रहता। एक दिन जब वह खेलकर थक गया तो वहीं बैठकर बुआ से बातें करने लगा। बुआ देखो ना, गांव में आज कितनी रौनक है। सब लोग अपने अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति रख रहे हैं। हाँ बिट्टू, गणेश चतुर्थी के मौके पर हमारे गांव में ऐसे ही रौनक हो जाती है। तो बुआ, गणेश जी की कोई कहानी सुनाओ ना। मैं तुम्हें गणेश जी और चांद की कहानी सुनाती हूँ। एक बार भगवान शिव से मिलने परशुराम जी कैलाश पहुँचे, लेकिन भगवान गणेश जी ने उन्हें शिव जी से मिलने नहीं दिया। तब परशुराम जी ने गुस्से में आकर भगवान शिव के दिए हुए फरसे से गणेश जी पर वार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। लेकिन जब चंद्रमा ने गणेश जी को एक दांत वाले स्वरूप में देखा तो वो गणेश जी का मजाक उड़ाने लगे, जिससे गणेश जी बहुत क्रोधित हुए। और तब गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उसे चोरी के झूठे आरोप का सामना करना पड़ेगा और वह समाज में कलंकित हो जाएगा। ओ तेरी, इसीलिए गणेश चतुर्थी को कोई भी व्यक्ति चांद को नहीं देखता। हाँ बिट्टू, यहाँ तक कि एक बार भगवान कृष्ण पर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था, क्योंकि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तब नारद मुनि की सलाह पर भगवान कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिसके बाद ही वो इस झूठे आरोप से मुक्त हो पाए थे। बुआ से कहानी सुनने के बाद बिट्टू झट से उठकर चांद की तरफ गौर से देखकर बोला, ए चांद, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने गणेश जी का मजाक क्यों उड़ाया था? गलती तुमने की और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। अगर तुम्हें गलती से भी देख लिया तो हमें कलंक लगेगा। तुम भी अजीब हो यार, भगवान से पंगा लेना जरूरी था क्या? इतना कहकर बिट्टू और गौरी वहाँ से चले गए। गौरी की बताई हुई कहानी को चांद भी सुन रहा था। उसे अपना पुराना जख्म याद आ गया। वह मन ही मन भगवान गणेश से ईर्ष्या रखने लगा। उसने सोचा, जो लोग गणेश चतुर्थी के दिन उसे देखना भी पसंद नहीं करते उन्हें वह जरूर सबक सिखाएगा। आज से वह उनकी कोई मदद नहीं करेगा। अगले दिन गांव की एक औरत चांद से कुछ राशन लेने पहुंची। चांद जी, मेरे घर का राशन खत्म हो चुका है, क्या मैं अंदर जाकर राशन की कुछ बोरियां उठाकर अपने घर ले जाऊं? सुनो,
मैं तुम्हें राशन की बोरियां तभी दूंगा जब तुम मेरा कहा मानोगी। लो, पहले इस ऊंची एड़ी की सैंडल को पहनो और एक मॉडल की तरह चलकर दिखाओ। मजबूरी में फंसी बेचारी गांव की औरत चांद की बात मानकर ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर मॉडल की तरह चलने की कोशिश करने लगी। तभी वो अजीब तरह से चलते हुए लड़खड़ाकर गिर गई, जिससे उसके सर में चोट लग गई। औरत की ऐसी हालत देखकर चांद बहुत खुश हुआ और वह जोर जोर से हंसने लगा। मुझे तुम्हारी चाल देखकर मजा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मॉडल की तरह कैट वॉक तो किया ही नहीं। अब चलो भागो यहाँ से। बेचारी घायल औरत लड़खड़ाते हुए खाली हाथ वापस लौट गई। अगले दिन रामू को बिट्टू के स्कूल की फीस जमा करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसीलिए रामू भी चांद के पास मदद के लिए पहुंच गया। चांद जी, आप तो जानते ही हो हम सबकी फसल खराब हो चुकी है और हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। मुझे बिट्टू के स्कूल की फीस भरने के लिए आपसे कुछ पैसे चाहिए। तुम्हें पैसे चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम मुझे कथक डांस करके दिखाओ। देखो चांद, मैं एक हल चलाने वाला किसान हूँ, मुझे डांस वांस नहीं आता। चलो मुझे चुपचाप कुछ पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत साधु बाबा से करूंगा। तुझे जिससे जाकर शिकायत करनी है कर दे, मैं किसी से नहीं डरता। और सुन, मैं तुझे कोई पैसे देने वाला नहीं, चल जा यहाँ से। इसके बाद रामू सारे गांव वालों को इकट्ठा करके साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु बाबा, आपने जो हमारी मदद के लिए धरती पर चांद बनाया था वो तो बहुत बदतमीज है, वो हमारी अब कोई मदद नहीं करता। गांव वालों की बात सुनकर साधु बाबा सारा मांजरा जानने के लिए चांद के पास पहुँचे। ए धरती के चांद, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया था ताकि तुम लोगों की मदद करो, लेकिन तुम मदद के बदले में उनसे क्या उल्टे सीधे काम करवा रहे हो। बाबा, ये धरती के लोग मेरे सगे कभी नहीं हो सकते। गणेश चतुर्थी के दिन कलंक से बचने के लिए ये लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि गणेश जी ने मुझे श्राप जो दिया था, इसलिए मैं इनकी मदद क्यों करूं? अच्छा ठीक है बाबा, मैं इनकी मदद एक शर्त पर कर सकता हूं। अगर सारे गांव वाले गणेश जी की पूजा करना बंद कर दें तो मैं इनकी हर संभव मदद करूंगा। चांद की ये बेहुदी बात सुनकर सारे गांव वाले गुस्से में भड़क उठे। तभी बिट्टू दहाड़ कर बोला, चांद तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? गणेश जी पर हम सबकी बहुत आस्था है और तुम हमसे उनकी पूजा बंद करने के लिए कह रहे हो, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो चांद, इतना घमंड अच्छा नहीं। हम सब भले ही भूखे मर जाएं, लेकिन तुम्हारी ये बात कभी नहीं मानेंगे। गणेश जी पर हमारा अटूट विश्वास है और अब वही हमारी मदद करेंगे। चांद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर साधु बाबा को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। बाबा की मृत्यु पर सारा गांव बहुत दुखी था। सभी लोग उस दुष्ट चांद को कोस रहे थे और चांद अपनी मस्ती में चूर होकर गाने गा रहा था। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, गांव वालों को तो नींद ना आएगी। खोया खोया चांद, खुला आसमान। पूरा गांव दाने दाने को मोहताज हो गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सभी लोग गणेश भगवान के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे। बिट्टू अपने घर पर स्थापित गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर आंसू बहाने लगा। गणेश जी, हमारी मदद करिए, अब हम सबको आपका ही सहारा है। देखिए, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो पूरा गांव भूख से मर जाएगा। रोते रोते बिट्टू गणेश भगवान की मूर्ति के पास ही सो गया। तभी अचानक उसकी आंख खुली। तभी अचानक उसने खुद को एक भयानक जंगल के अंदर पाया। इतने भयानक जंगल में खुद को अकेला पाकर वो बुरी तरह से डर गया था। तभी चांद लुढ़कता हुआ बिट्टू के सामने आ गया। बिट्टू, तुम सुबह गांव वालों के सामने बहुत हीरो बन रहे थे, इसलिए मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें इस भयानक जंगल में बुलाया है ताकि मैं तुम्हारा खात्मा कर सकूं। अब देखता हूं तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। चांद की बात सुनकर बिट्टू डर से कांपने लगा। बिट्टू को डर से कांपता देख चांद ने उससे कहा, बिट्टू मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम पूरे गांव वालों को जाकर समझा दो कि गणेश जी की याद से कोई पूजा नहीं होगी। बिट्टू चीखते हुए बोला, धरती के दुष्ट चांद, तुम्हें जो करना है कर लो,
लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। इतना सुनते ही चांद तेजी से बिट्टू की तरफ लुढ़कने लगा। अपने पास बड़े से चांद को आता देख बिट्टू दौड़कर भागने लगा। आगे आगे भागते बिट्टू को पीछे से लुढ़कता चांद कुचलने ही वाला था कि तभी तेज रोशनी प्रकट हुई और साक्षात भगवान गणेश सामने आ गए। फिर भगवान गणेश ने चांद को एक जोरदार मुक्का मारा। चांद तेजी से लुढ़कता हुआ पहाड़ी के छोर पर जा पहुँचा। शोर शराबा सुनकर पूरा गांव उस पहाड़ी के पास जाकर जमा हो गया। सभी उस दुष्ट चांद को देख रहे थे। गणेश जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस पहाड़ी के नीचे गिरने से बचा लीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपसे इन सब की मदद बिना किसी शर्त के करूँगा। मेरे टूटे दांत का मजाक उड़ाने के लिए मैंने आकाश के चंद्रदेव को गुस्से में आकर श्राप दिया था, लेकिन इस बात का उन्होंने कभी कोई बुरा नहीं माना। और तुम धरती के चांद होकर इतना घमंड कैसे कर सकते हो? जिन साधु बाबा ने तुम्हें बनाया तुमने उनकी ही जान ले ली। सारे गांव वालों को भी तुमने खूब परेशान किया, और आज तो तुम मेरे प्यारे भक्त बिट्टू को भी मारने वाले थे। इसलिए तुम मुझसे नहीं, गांव वालों से और बिट्टू से माफी मांगो। अगर ये लोग तुम्हें माफ कर देंगे तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। गणेश जी, इस दुष्ट चांद ने हमें आपकी पूजा करने से रोकना चाहा, इसीलिए इसे हम कभी माफ नहीं कर सकते। हम आपका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए इस चांद का नष्ट हो जाना ही ठीक है। बिट्टू की बात से सभी गांव वाले सहमत थे। इसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर उस दुष्ट धरती के चांद को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अरे माँ, मर गया रे, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। वो रोते रोते गाने लगा। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, अरे मैं तो गया। इसके बाद चांद जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। गांव में गणेश जी के आशीर्वाद से खूब अच्छी बारिश हुई, जिसके बाद बहुत अच्छी फसल भी आई। गांव में खुशियां वापस लौट आई। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी गोलू की नजर घाटे के पड़े चांद के चमचमाते टुकड़ों पर पड़ती है। अरे वहाँ देखो, कितने सुंदर चमकीले टुकड़े पड़े हैं। चलो हम इनसे खेलते हैं। अरे हाँ, लेकिन इन टूटे टुकड़ों से हम खेलेंगे कैसे? चलो हम इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। इसके बाद सभी बच्चे मिलकर उस दुष्ट चांद के टुकड़ों को जोड़ देते हैं। जैसे ही सारे टुकड़े जुड़े, चारों तरफ एक लाल रोशनी फैल गई। चांद फिर से जीवित हो उठा, लेकिन इस बार चांद का रंग काला था। वह जोर जोर से हंसने लगा। अब मैं इस गांव में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम बच्चों को भी नहीं।